अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है अपने टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। तो हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, ठीक है, कि मैन का जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो किस तरह से है। तो इसमें हमने साइकिल देखे थे, तो फर्स्ट हमने देखा था कार्बन साइकिल, ठीक है। आज हम डिटेल में देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन का आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और किसका पार्ट होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी हमारे पास जनरल जो है अक्रंस होगी, प्रॉपर्टीज होगी। पहली बात की नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि इसकी प्रॉपर जो है परसेंटेज पाई जाती है। इसके बाद ये पार्ट हो जाए किसका, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 80% जो नाइट्रोजन है वो अर्थ पे पाई जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो फ्री नाइट्रोजन की फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। फ्री ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में पाई जाती है, और कितनी होती है, 80%। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हमने डिटेल में स्टडी किए हैं, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस नाइट्रोजन को यूज नहीं करते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को यानी कि डायरेक्टली यूज नहीं करते, बल्कि उसको कन्वर्ट, जो नाइट्रोजन होती है उसको यूज करते हैं, मतलब कि वो नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो है कन्वर्जेशन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनियम में और नाइट्रेट में, ठीक है, और अमोनियम और नाइट्रेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको जो प्रोड्यूसर होता है वो यूज करते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं करते, ठीक है। प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर में हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्लांट्स वगैरह, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं करते, ठीक है, किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, एक तो अमोनियम और दूसरी चीज नाइट्रेट, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है इन दो फॉर्म्स में, ठीक है, अब ये जो है प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं और फिर आगे जो है अपने फर्दर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब हमने यहां तक हमारे पास जनरल प्रोडक्शन आ गया नाइट्रोजन के रिलेटेड, हमने अक्रंस पढ़े कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में किस तरह पाई जाती है और प्रोड्यूसर जो है वो किस तरह नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं। इसके बाद फर्दर हम इसके प्रोसेसेस पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करते हुए नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारे पास, कुछ बैक्टीरिया वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारे पास, उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो नाइट्रोजन को गैस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं अमोनिया में, वो जमीन के अंदर रहते हैं या फिर जो रूट नोड्यूल्स वगैरह होते हैं हमारे पास इनमें रहते हैं, यानी प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट नोड्यूल उनके उनपे पाए जाते हैं। और एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास पी प्लांट और बीन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अमोनिया जो होता है, ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस हमारे पास कन्वर्ट हो रही होती है अमोनिया में, अब क्या होता है ये अमोनिया अटैच हो जाता है एक और हाइड्रोजन आयन के साथ, और जब हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच होता है तो बना देता है अमोनिया, ठीक है। क्या हो गया इसमें कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, क्यों
जो नाइट्रोजन होती है हमारे पास वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रही होती है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। अब कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या तो साइल में और या फिर रूट नेडल्स में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास अमोनिया बना है इसके साथ मिलकर क्या होता है हाइड्रोजन आयन अटैच होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन अटैच हो जाता है तो इसके बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है अमोनियम की। ये हमारे पास पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्टेप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन, यानी कि ये नाइट्रोजन गैस को अमोनिया और उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ाया नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब हमारे पास आ गया नाइट्रिफिकेशन। अच्छा, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ये काम करवाते हैं, ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन में भी क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में भी हमारे पास नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं साइल के अंदर, जो कि अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और नाइट्राइट को फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, और इस कोर प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन का, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या चीज आई है कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के दौरान हमारे पास अमोनियम बना था उसको कन्वर्ट करते हैं इसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास दो स्टेप हो गए, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम में, और दूसरी चीज कि अमोनियम को फर्दर जो है किस तरह कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है इसके लिए फॉर्मेशन हो जाती है अमोनियम की नाइट्राइट की और नाइट्रेट्स की, और फिर जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं इनको यूटिलाइज करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है जिनके लिए इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है उसको ये कैरी ऑन करते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं इन अमोनियम और नाइट्राइट्स को अब्सॉर्ब करते हैं साइल से और यूज करते हैं इसको यानी कि बॉडी प्रोटीन बनाने के लिए और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक हमने स्टेप करे कि अमोनियम और नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। अब हम फर्दर जो है इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास जो अमोनियम और नाइट्रेट्स बने, ठीक है, इनको प्लांट जो प्रोड्यूसर्स से हमारे पास कोई यूज क्यों करते हैं। पहली चीज कि अपनी जो बॉडी प्रोटीन होती है उनको बनाने के लिए, और दूसरी चीज के न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब एक चीज होगी, ये फंक्शन हो गया हमारे पास के जब एक देखिए अमोनियम की और नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन तो हो रही है लेकिन उसको आगे यूज क्यों किया जाएगा, यूज करने का ये देखिए हमारे पास एक चीज के बॉडी प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है, उसको यूज करके, और दूसरी चीज न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है, अब क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। अब कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि जो ईट करते हैं प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, और ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन को किसकी फॉर्म में, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म में, क्योंकि आप देखेंगे प्रोड्यूसर जो है वो यूज करते हैं नाइट्रोजन को यानी कि जो नाइट्रेट्स और अमोनियम है उसको यूज करके अपनी बॉडी प्रोटीन्स बनाते हैं और
न्यूक्लिक एसिड बुलाते हैं, और हमें पता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे। जाहिर है जब वो प्रोड्यूसर को खाएंगे, उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो उनसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को ले लेंगे। अब क्या होता है कि जो हमारे पास डिकम्पोजर्स आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट की और डेड बॉडीज की, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडीज होती है, डेड बॉडीज, उनको ब्रेक करते हैं और रिलीज करवा देते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, किसकी फॉर्म में, अमोनियम की फॉर्म में। देखिए बच्चों के जो कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, ठीक है, उन्होंने प्रोड्यूसर से क्या लिया, यही बॉडी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो डाई कर देंगे तो जो डिकम्पोजर्स होंगे वो उनकी डेड बॉडीज को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के रिजल्ट में क्या होगा कि उनकी बॉडी में मौजूद जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में, यानी कि अब फर्दर दोबारा जो प्रोसेस हमने पहले पढ़ा, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि रिसाइकिल हो रहा है, यानी कि एक चीज जब बनी है तो वो दोबारा से कन्वर्ट हो रही है। पहले देखिए हमारे पास अमोनियम बना था, ठीक है, उसके बाद नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स बने थे, अब क्या हो रहा है, दोबारा से देखिए अमोनियम बना, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो इन्होंने क्या किया है कि नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रोजन गैस में, और उसको रिलीज कर देते हैं ये एटमॉस्फेयर में द्वारा, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन का, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। यानी कि हमने इसमें चार स्टेप पढ़े, कौन कौन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने देखा कि बैक्टीरिया होते हैं कुछ, ठीक है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जो क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर रहे होते हैं इसको नाइट्रोजन गैस को किसमें, अमोनियम में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप था अमोनिफिकेशन का, अमोनिफिकेशन में क्या हुआ था कि जो हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनसे डेड बॉडीज को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और उसके रिजल्ट में रिलीज होता है अमोनियम, ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास, इसका हम नाम देते हैं अमोनिफिकेशन का, ठीक है। अब क्या होता है, जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि नाइट्राइड्स जो बने हुए हमारे पास उनको दोबारा से वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। तो ये दोबारा से जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है गैस, तो ये लास्ट में हमारे पास प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नाइट्रोजन साइकिल के रिलेटेड। तो आई होप आपने कुछ भी समझ आ गया। थैंक यू।